आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का सबसे लोकप्रिय चैनल RNN न्यूज, खबर आप तक। नमस्कार, मैं हूं हिमानी सिंह और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की सबसे लोकप्रिय चैनल RNN न्यूज। आइए बढ़ते हैं अब खबरों की ओर। और इस वक्त की बड़ी खबर कोरबा से निकलकर सामने आ रही है। जी हां, कोरबा चांपा मुख्य मार्ग में बरपाली बस स्टैंड में पीपल का पेड़ गिर जाने के कारण कोरबा चांपा मार्ग में आना जाना बंद हो गया है। वाहनों की लंबी लाइन लग गई है, जाम की स्थिति बनी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर है जो कि बरपाली कोरबा से निकलकर सामने आ रही है। नाम क्या है? अशोक। क्या करते हैं भैया? ड्राइविंग करते हैं। कितने घंटे से आप इस जाम में फंसे हुए हैं? सुबह हम लोग करीब 6 बजे से फंसे हैं। अभी समय क्या हो रहा है? समय तो 9-10 तो बज ही रहा होगा सर। तो कितना लंबा लाइन लगा है भैया इसे? अभी लमसम मड़वारा नहीं पहुँचने वाला है। तो क्या लगता है किस कारण ऐसा जाम हुआ, कुछ सुनने में तो आया था सामने कोई पेड़ वगैरह खंभे गिरे और ये तारे शायद गिर गए थे उधर, देखने तो नहीं गए थे। तो पूरा फंसे हो गया? फंसे सर। और जो बस वस चल रहा है वो कैसे, वो भी फंसा है क्या? नहीं नहीं, बस तो बस कारें सब तो निकल जा रही हैं, वो बस कार वगैरह नहीं फंसी। क्या करते हैं भैया? हाँ, कितने घंटे से आप कोरबा चांपा मार्ग में फंसे हैं भैया? यहाँ तो करीब 4-5 घंटे हो गया। कारण क्या है फंसने का भैया, कुछ पता चल रहा है? पता नहीं चल रहा, एक रोड प्रॉब्लम है। रोड प्रॉब्लम, खड्डे रोड। कितने लंबा लाइन लगा है भैया आप लोगों का? अभी तो जहाँ तक नज़र आ रहा है दोनों साइड लाइन ही लाइन है। RNN न्यूज़ के लिए सरोज कुमार रात्रि की रिपोर्ट।